हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सर। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग ट्रैफिक स्ट्रीम मॉडल में पहला मॉडल जो हमारे पास था ग्रीन शील्ड मॉडल, उसको हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉडल जो कि हमारे पास है ग्रीन बग्स मॉडल, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रीन बग्स मॉडल, जिसको हम लोग लॉग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस फिगर में या फिर ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमारे पास के है और वाई एक्सिस में स्पीड है के में वी। ठीक है, तो देखिए ये लॉग मॉडल है, तो हमारे पास क्या है, जो स्पीड वेरी करेगा वो लॉगरिथमिक ग्राफ पे अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से देखिए क्या है, इस पॉइंट पे हमारे पास के है, मैक्सिमम हो जाएगा के एम दैट इज जेम डेंसिटी। और अगर वाई एक्सिस में हम लोग बात करें तो क्या है, धीरे धीरे क्या स्पीड जो है बढ़ रहा है जब के डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो भी क्या है बढ़ रहा है, बट कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है, मीन्स कहीं पे जाके ये मैक्सिमम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी स्पीड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या है कैपेसिटी ऑफ रोड निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं फॉर अ रोड। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एनी स्पीड वी व्हाट विल बी द के, वी विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन दिस फार्मूला व्हिच इज गिवन बाय ग्रीनबर्ग्स। क्या होता है, क्या है, वी इज इक्वल टू वी एम इंटू एल एन के एम बाय के। तो वी कोई भी स्पीड दिया हुआ रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी एम मीन्स मैक्सिमम डिजाइनर स्पीड या फिर मैक्सिमम फ्लो स्पीड वी एम है दिया हुआ रहेगा, इंटू एल एन के एम क्या जेम डेंसिटी और डिवाइड बाय के। तो यहाँ से के एम निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रीनबर्ग्स मॉडल क्यू मैक्स हमारे पास होता है कितना, के एम इंटू वी एम बाय ई। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना होता है, ई टू द पावर वन अगर करेंगे तो 2.718 होता है। ठीक है, तो देखिए जब वी इज इक्वल टू 0 होगा तो के इज इक्वल टू के मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए इस ग्राफ पे ये क्या है, वी वेरी कर रहा है, वी 0 कब हो रहा है, जब के मैम एम हो रहा है मीन्स मैक्सिमम जेम डेंसिटी हो रहा है। और जब के इज इक्वल टू 0 करेंगे मीन्स इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए वी कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी फॉर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब कोई भी रोड के लिए वी क्या है, इनफाइनाइट स्पीड हो सकता है क्या, आप अपने आप दिमाग से समझिए कि कोई भी रोड में, कोई रोड में जब गाड़ी चलता है तो गाड़ी का स्पीड इनफाइनाइट हो सकता है क्या, नहीं। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसी के कारण ये हमारे पास क्या है, इरर है इस ग्रीनबर्ग मॉडल में, जिसके कारण से इस मेथड को हम लोग हर जगह पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे यूज कर सकते हैं, दिस मेथड इज यूज फॉर हाई डेंसिटी लेस स्पीड रोड। क्या है, डेंसिटी जहाँ पे देखिए मैक्सिमम रहेगा और स्पीड क्या है कम रहेगा, तो क्योंकि स्पीड जब ज़्यादा रहेगा तो ये इरर दे देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे जा रहा है। इसीलिए हम लोग का क्या है, हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि कम हो जाएगा, इस ग्राफ से देख सकते हैं, तो वैसे जगह पे यूज कर सकते हैं। तो वैसा कहाँ पे मिलेगा, अर्बन रोड्स में या फिर सिटी वाले रोड्स में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा और स्पीड कम रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीनबर्ग मॉडल को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जेम डेंसिटी ऑन अ फ्रीवे इज 130 व्हीकल पर किलोमीटर। देखिए क्या है, जेम डेंसिटी मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, के एम एट ए डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स के दिया हुआ ही है, स्पीड इज 130 के एम पी एस, डिटरमाइन मैक्सिमम फ्लो यूजिंग ग्रीनबर्ग। मैक्सिमम फ्लो निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है। ठीक है, तो क्यू मैक्स अकॉर्डिंग टू ग्रीनबर्ग क्या होता है, के एम इंटू वी एम बाय ई होता है। और हमारे पास क्या है, के एम दिया हुआ 130 और के दिया हुआ है 100। ठीक, तो हम लोग को क्या, के एम दिया हुआ है, हम लोग को क्या वी एम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे, इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, वी इज इक्वल टू वी एम इंटू एल एन के एम इंटू के, इस इक्वेशन को वन मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को वी निकालना था, तो वी इज इक्वल टू वी एम इंटू एल एन के एम बाई के, तो यहाँ पर वी एम निकालना है, वी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ था, वी एम निकालना है एल एन
Km इज इक्वल टू 130, K इज इक्वल टू 100। यहाँ से Vm कैलकुलेट किए, कितना आ गया हमारे पास 114.3448 kmph Vm आ गया। अब फ्रॉम वन क्यू मैक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू ग्रीन बर्ग्स, क्यू मैक्स इज इक्वल टू के एम इंटू वी एम बाई ई। तो के एम हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 130, और वी एम हमारे पास आ गया 114.3448 डिवाइड बाई ई, ई इक्वल टू 2.718। यहाँ से हम लोग जो फ्लो निकालेंगे वो हमारे पास क्यू मैक्स कितना हो जाएगा 5468.46 व्हीकल पर किलोमीटर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रीनबर्ग। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड मॉडल था। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है अंडरवुड्स एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, अंडरवुड एक्सपोनेंशियल मॉडल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी विल डिस्कस हियर। इसमें भी देखिए हमारे पास क्या है, वी एम पता चल रहा है इस ग्राफ से देखिए, बट के एम मीन्स जेम डेंसिटी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहाँ पे क्या जाके एजिम्प्टोटिक हो जाता है। जब एजिम्प्टोटिक हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे जाके ये इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जेम डेंसिटी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ क्या फ्री फ्लो स्पीड पता चल रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी फ्लो स्पीड वी हैव टू कैलकुलेट सर्टेन के। तो फ्रॉम वेयर वी फ्रॉम विच फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन दिस, वी इज इक्वल टू वी एम इंटू ई टू द पावर माइनस के बाई के एम। यहाँ से हम लोग क्या के निकाल लेंगे। देखिए इस ग्राफ से समझिए, के इज इक्वल टू जब जीरो होगा, जब के इज इक्वल टू जीरो होगा तो वी क्या हो जाएगा हमारे पास वी एम मीन्स मैक्सिमम स्पीड और फ्री फ्लो स्पीड, और जब वी इज इक्वल टू जीरो होगा मीन्स इस डायरेक्शन में जो जा रही है वी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या के कोई वैल्यू मिल नहीं रहा है जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी क्या है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये इरर दे रहा है, इस इरर देने के कारण से भी इस मेथड को भी हम लोग हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, दिस मेथड इज यूज फॉर हाई स्पीड लो डेंसिटी रोड, दैट इज एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे भी क्या है, जहाँ पे जेम ज़्यादा लगता है ठीक है तो वहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, जहाँ पे जेम कम लगता है मीन्स के विल बी द लेसर वैल्यू, मीन्स इस साइड में कहीं पे के आना चाहिए तभी जाके हम लोग का क्या वी कैलकुलेशन हो पाएगा। और वी क्या है, जब इस साइड में के आएगा तो वी क्या है हमको क्या है मैक्सिमम यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमम वी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होगा, तो इसीलिए हम लोग जहाँ पे हाई स्पीड और लो डेंसिटी होगा वहीं पे हम लोग इस मॉडल को यूज कर पाएंगे। और वैसा रोड कौन सा होता है, एक्सप्रेसवे होता है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होता है। ठीक है, ये हमारे पास था क्या ग्रीनबर्ग्स और अंडरवुड्स एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और हमारे पास ट्रैफिक स्ट्रीम मॉडल भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रैफिक का टाइम एंड डिले स्टडीज। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।